सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ हमेशा की तरह सारे भाई बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने यूट्यूब चैनल पे कल टेक्स्ट पोल क्रिएट किया था कि आपको किस टाइप से एडिटिंग चाहिए और कौन से ऐप से चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को रिस्पॉन्स मिला वो था स्नैपसीड एप्लीकेशन। मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीन शॉट की हेल्प से दिखा सकता हूँ। तो गाइज़, मैं ये वाली एडिटिंग लेकर आ चुका हूँ जो कि आप लोग पिक देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की लग रही है। एंड इसको कैसे एडिट करना है वो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस आपको एक काम करना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना इस वीडियो को, फिर आपका जितना भी डाउट है ना वो सब क्लियर हो जाएगा एंड काफ़ी ईजिली आप लोग इस टाइप की एडिटिंग कंप्लीट कर लोगे। तो बस सपोर्ट करना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अभी आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर एक फोटो को ओपन कर लेना है जिसको भी आप लोग एडिट करना चाहते हो। और हमारा जो पहला स्टेप होगा वो इस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अभी आप लोग ये वाला फोटो देख सकते हो, तो जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ उससे आप लोगों की फोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बस ये चीज़ करते जाओ। सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ कर देना है 29%। नाउ यहाँ से सैचुरेशन को आप लोगों को इंक्रीज़ कर देना है 29। ओके, एंड थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो एम्बियंस का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट इसको आप लोगों को हाफ माइनस कर लेना है, 31% माइनस कर लेना है। ओके, और बैकग्राउंड में नॉइज़ वगैरह देखने को मिले तो मैनेज कर देना, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। सबसे पहले हाईलाइट को आप लोगों को 55% ओपी, एंड यहाँ से थोड़ा सा शेडो को भी माइनस करेंगे इस तरीके से। राइट के ऊपर टैप कर देना है। तो बिफोर एंड आफ्टर अभी आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा फेस है ना वो डार्क हो चुका है। तो सबसे पहले आप लोग फेस को जूम करना एंड यहाँ पे आप लोगों को एक सर्कल को क्रिएट करना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करेंगे, सेचुरेशन को माइनस करेंगे एंड थोड़ा सा यहाँ से आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट को माइनस करना है। नाउ राइट के ऊपर टैप कर देना। तो बिफोर एंड आफ्टर अभी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद चलना है पेंसिल वाले सेक्शन के ऊपर एंड थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो विंटेज का ऑप्शन मिल जाएगा, लैंप वाला, इसके ऊपर टैप करना है। 12 नंबर का आप लोगों को इफेक्ट को अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोगों को सैचुरेशन को 100% माइनस कर देना है और स्टाइल स्ट्रेंथ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो ये चीज़ मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। विग्निटी भी मैं थोड़ा सा कम ही रखता हूँ, ये चीज़ मेरे को परफेक्ट लग रहा है 14%। नाउ मैं राइट के ऊपर टैप करूँगा। उसके बाद ना मेरे को ये वाला इफेक्ट पूरा मॉडल के ऊपर से हटाना है, बस लेग्स के ऊपर से और फेस के ऊपर से, एंड ओवरऑल हम लोग सब चीज़ों के ऊपर से सेम टू सेम रहने देंगे। तो पिक को जूम करना और अमाउंट को जीरो करके जस्ट आप लोगों ने फेस के ऊपर और हैंड के ऊपर जितना भी इफेक्ट आए इसको हटाना है। ओके, अभी आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से ये चीज़ को भी हम लोगों ने मेंटेन कर लिया है। ओके, थोड़ा सा फेस को मेरे को इंक्रीज़ करना है क्वालिटी वगैरह, तो पोर्ट्रेट वाले सेक्शन के ऊपर चलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को फेस स्पॉलेट मिलेगा तो सबसे पहले आप लोग इसको रखना है 28। नाउ थोड़ा सा स्मूदिंग को इंक्रीज़ करना है और आइस क्लियरिटी को माइनस कर लेना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पिक को जूम करके दिखा सकता हूँ, बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। अब हमारा रह रहा है PNGs का वर्क। तो जितना भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके डाउनलोड कर लेना। तो कुछ PNGs वगैरह मैंने स्नैपसीड की हेल्प से ही बनाए थे, तो ये ब्रोकन हर्ट वाला PNG लेकर आ जाना, इसको करना है आप लोगों को ऐड और अपने टॉप पे हेड के ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर देना। ये चीज़ परफेक्ट लग रहा है। एंड अगेन राइट के ऊपर टैप करके 3-4 PNG है जो कि आप लोगों ने ऐड करनी पड़ेगी, और इसको भी यहाँ से कर देंगे ऐड ताकि ये PNG भी अपनी ग्लोइंग हो जाए, समथिंग इस तरीके से आप लोगों को एडजस्ट करना है। ओके, अगेन अपना ये वाला PNG लेकर आएंगे, इसको भी कर देना ऐड ताकि ग्लोइंग हो जाए, और इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करना। अब अपनी लास्ट PNG, और इसको भी आप लोगों को यहाँ से ऐड कर देना, ठीक है। अगर ऐड पर ज़्यादा इफेक्ट आए तो आप लोग अपना यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है लाइट एंड, वो चीज़ अप्लाई कर देना। तो इसको भी समथिंग हम लोग ऐसे एडजस्ट करेंगे। अब थोड़ा सा आप लोगों को कलर को बैलेंस करना है तो वाइट बैलेंस के ऊपर आ जाना, और ये जो टेम्परेचर दिख रहा है इसको आप लोगों ने 19% देना है और फिर कर देना राइट के ऊपर टैब। अभी हमारे फेस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है तो क्या करेंगे, वाइट बैलेंस के ऊपर आना है और यहाँ से सबसे पहले अपने पिको कर देना इन्वर्ट। अमाउंट को रखना है यहाँ से 25 या फिर 50 रख लेना, एंड जस्ट आप लोगों को इरेज करना है हल्का हल्का, ठीक है। तो इफेक्ट आप लोगों का आ जाएगा, देख सकते हो, एंड यहाँ से राइट के ऊपर टैप कर देना। फाइनली डन गाइज, हमारा जो फोटो एडिटिंग का वर्क है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड अभी आप लोग पिक देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की लग रही है। तो बिफोर एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को आफ्टर भी दिखा सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को फोटो एडिट करनी है, बहुत अच्छा खासा भी आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा और कुछ स्टेप्स के अंदर मैंने इसको एडिट करना सिखा दिया है।